नमस्कार, जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हमने बनाया है मकई की रोटी, सरसों का साग, खूब सारा मक्खन डाल के और साथ में सैलेड। ये पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी है। चलिए देखते हैं हमने इस ट्रेडिशनल रेसिपी को कैसे बनाया है। हमने ये दो प्याज लिए हैं, उनको लंबा लंबा काट लिए, और अदरक लिए हमने, और मैंने ये 10 लिए हरी मिर्ची। इन सभी को इकट्ठा हम चॉप कर लेंगे। ये हमने डाल दिया इसमें खूब सारा लहसुन। ये 3 गट्ठी जो है वो लहसुन की हैं। जितना हम लहसुन डालेंगे साग उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑन, और इसमें डाल दूंगी मैं 1 गिलास पानी का। और अब हम साग को काटना शुरू करते हैं। 1 गुच्छी धनिए की है और 1 गुच्छी मेथी की है। तो इसे अच्छी तरह से मैंने साफ करके इसे धो के रख दिया था। हम साथ के साथ इसे काटते जाएंगे और इसे कुकर में डालते जाएंगे। अगर आप साग में धनिया डालते हो तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है साग में, और साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये पालक की भी 1 गुच्छी थी, ये 400 ग्राम की थी पालक की गुच्छी। धनिया और मेथी की जो गुच्छी थी वो 300 ग्राम की थी। जिस वे से मैं साग बना रही हूँ, बहुत ही ईजिली आप इस प्रकार से साग बना के खा सकते हो, और वो भी बहुत टेस्टी, बहुत कम समय में। अभी हमने कुकर में पालक, मेथी और धनिया डाला है काट के, तो हम इसी के साथ जो हमने चॉप करके रखे थे लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, उसे भी इसी में डाल रहे हैं। और इसी के साथ इसमें डाल दें 1 गिलास और पानी का। जब भी आपने साग बनाना तो इस बात का ध्यान रखिए कि साग को साफ करके 2-3 घंटे के लिए पहले आप सभी चीज़ों को धो के रख दीजिए, तो उसका पानी निकल जाएगा। साग को कभी भी आप काट के मत धोइए। उससे क्या होता है कि उसमें से जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, इसकी फूड वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के नमक के। ये सेंधा नमक है, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हो। पहले थोड़ा कम ही डालिए नमक, फिर बाद में आप टेस्ट करके नमक डाल सकते हो। तो ऊपर मैं डाल दूंगी मूली के पत्ते। अब इसे 1 बिसल आने तक हम फुल पे ही रखेंगे गैस को। जब 1 बिसल आ जाएगी तो फिर हम इसे स्लो करके 1/2 घंटे के लिए इसे रखेंगे। देते हैं कुकर को बंद। अब ये साग बन चुका है, उबल चुका है, तो इसमें हम आलन डालेंगे। जो हम साग में मक्की का आटा डाल के उसमें मिलाते हैं उसे बोलते हैं आलन डालना। डाल देंगे 2 कड़छी भर के डालेंगे। इसमें बड़ी कड़छी डाली है मैंने। ये आप देख सकते हो कि कितना अच्छा घुल के ये तैयार हो गया है साग। अब हम इसे फिर से गैस के ऊपर रख के पकाएंगे। अब मैंने साग को रख दिया है गैस के ऊपर पकने के लिए। हम साग को नहीं पकाते, जो इसमें मक्की का आटा डाला है उसे हम पकाते हैं, क्योंकि वो अगर हम नहीं पकाएंगे तो उसमें से मक्की के आटे की हमें गंध आएगी। तो हम गैस के ऊपर रख के इसे 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाते हैं। तो जब तक ये पकेगा साग में जो हमने आलन डाला है, तब तक हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। अब मैंने पैन को रख दिया गैस के ऊपर। गैस की फ्लेम जो है उसे हाई पे कर देंगे। ये मैंने 2 कड़छी घी डाला है। ये मैंने 2 गट्ठी लहसुन की ली है, उसे बारीक चॉप कर लिया है। 2 प्याज ली है, इसे चॉप करा है। ये अदरक है, इसे चॉप करा है मैंने। लहसुन से साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप जितना लहसुन डालोगे उतना ही आपके जो साग का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। ये लहसुन का जो कलर है चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक। अब इसमें डाल रहे हैं प्याज। जब हम साग में मक्की का आटा डाल के उसे फिर पकाना शुरू करते हैं तो साग जो थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम डालेंगे, ये मैंने पानी लिया है, इसे बॉयल कर लिया है। 1 ग्लास जितना पानी डालेंगे हम इसमें। पहले आप थोड़ा पानी डालिए, फिर बाद में देख के पानी डालिए कि कहीं साग ज़्यादा पतला ना हो जाए। हमारा साग भी बन के तैयार है और तड़का भी बन के तैयार है। तो तड़के को हम मिलाते हैं साग में।
और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। और अब बनाते हैं हम मक्के की रोटी। आपने जितनी रोटी बनानी है आप उतना आटा लीजिए, इसके बीच में इस प्रकार से होल करके इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे। जब हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंदें। इस हथेली की सहायता से हम इसे इस प्रकार से मसलते हुए गूंदेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना हमने आटा लगाया है उसको हाफ आटा जो है हम साइड पे कर देंगे और हाफ को लेके हम इस प्रकार से मसलते हुए इसे सॉफ्ट करेंगे। लेके हम इसे फ्लैट करेंगे। फ्लैट करके इसे दोनों हाथों में लेके इस प्रकार से हम रोल करेंगे। आप इसे बीच में से और साइड्स में से अच्छी तरह से रोल करें। अब देखिए इसे दोनों हाथों में लेके इस प्रकार से हम इसे फैलाएंगे और ये मकई की रोटी बनके तैयार। मैं पहले ही तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। ये आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी ये चपाती बनके तैयार हुई है। अब मैंने ये हाथ से बनाई है, अब आपको दूसरी तरह से बनाने सिखाते हैं। ये मैंने एक बोर्ड के ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा दी है, तो मैंने प्लास्टिक की शीट के ऊपर अच्छी तरह से देसी घी लगा दिया है। तो घी इस पेड़े के ऊपर भी लगा देंगे। इस प्रकार से हम शीट को पेड़े के ऊपर रख देंगे और हम हल्के हाथों से इसे बेलते जाएंगे। इसे पलट देंगे। आप इसे तवा हटा के डायरेक्ट गैस के ऊपर कभी भी मत सेकिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनके तैयार हुई है। हमने इसे कर लिया है सर्व, मकई की रोटी, सरसों का साग, ऊपर से खूब सारा मक्खन मूली और हरी मिर्ची के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बना और ये ट्रेडिशनल हमारे पंजाब की जो रेसिपी है। आप इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।